एक बिरहा की प्रस्तुति आपके बीच में है। हमारे हिंदू समाज में सुने वाले बाबूजी, होली मनाई जाता, दिवाली मनाई जाता, दशहरा मनाई जाता, दुर्गा पूजा मनाई जाता है, 26 जनवरी मनाया जाता है, 15 अगस्त मनाया जाता है, जितना भी पर्व मनाई जाता है, हर एक पर्व के पीछे, हर एक त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है। लेकिन हिंदू समाज में हमारे आपके यहाँ किसी बुजुर्ग का देहांत हो गया, दादा का, पिता का, तो 13 दिन 13 ही किया जाता है। तो जैसे हर एक त्योहार मनाया जाता, किसी की उत्पत्ति कहीं ना कहीं से तो हुई है, तो वैसे 13 ही जब किया जाता तो एकर उत्पत्ति कहां से भाई। सबसे पहले यह धरती पर 13 ही की है। इसकी एक छोटा सा बिरहा है, रामायण का प्रसंग है। आइए मास्टर साहब, छोटा सा बिरहा है, कभी को संकेत करना पड़ा, तनी स्वर देखे आओ बाबू, सूरदास मिजाज में है भैया। मैदानों के लगे जाए के सपन के समस्या का समाधान पूछत हैं। बिरहवा में एक लाइन गजल का भाव है, कबो कबो स्वर्गी लहरी उस्ताद जी गावे। कैसे गावे भैया हो? अरे मेरे दर्द दिल की दवा
क्या करोगी, ये फिल्मी दुनिया वालों ने गाया लेकिन लहरी उस्ताद गाँव है। अरे नया ना बुरा है, ये नया ना बुरा है, न जाना आवाज उठ जाए फलनवा फलनवा की यहाँ बहुत बैठा था कौनो बात बात, मगर सोचता हूँ जमाना बुरा है, इतना बुराई बा भैया हूँ। तीन दिना केहू के द्वारे संध्या सवेरे बैठला, चौथे दिना समाज में आवाज उठे लगी, लेकिन बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है अरे बिना गुल का गुल सन, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सहारा, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सहारा, बिना गुल का गुलशन, बिना गुल का गुलशन लगे व्यर्थ सहारा, डूबते हुए इंसान के लिए तिनके का सहारा ही बहुत होता है। अच्छा दिव्यांश यादव जी, ये छोटा मुन्ना है आपकी ओर से 51 रुपया पुरस्कार आया है, बहुत बहुत आपको शुभ आशीर्वाद है, और आप ही श्रीमान जी के द्वारा हम कलाकार लोग इस मंच पर आए, बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, नमन करते हैं, जय श्री कृष्णा। भैया हो कहानी का शुरुआती हमें सेवा कवि को लिखना पड़ा बाबू जी, कहा मैदान बात ध्यान दे के सुन लीजिए, तेरा ही बस्तन भर की जाके पहले तुम की जाए, वचन के मान
पहले। मैं दानव कहा भविष्य से भैया के भेद बता के भैया के मरवाई दी है। अच्छा लगत रहा, अब काहे नहीं निक लगता। जमाने में सिर्फ भैया कोई रहल हो ना रहा हो लेकिन सूरदास जरूर रहे भैया हो। मैं दानों का सुना भैया का भेद बताए के भैया के नमक खाए के नमक हलाली नहीं कैला बाबू भविष्य जा। भैया रावण का आत्मा तोरे भटकत बा, अकाल मृत्यु हुई है, अकाल मृत्यु भई बा और रावण का आत्मा भटकत बा। जेकर जेकर मौत भगवान के हाथे हो जाए ओके तो मुक्ति मिल जाए चाहे तो आत्मा भटकत काहे बा। मैं दानव कहे जा 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 के रावण के आत्मा के शांति है तू तेरा ही कर। भविष्य कहा ई का होत है जब क्यों कबो किए रहे तब न जन ही कहा जाए के बहुत बड़वार भंडारा फांद अब पूरे विश्व में न्योता बटवाई दे और सारा विध विधान मैदानों जी बता दिए कि जैसे जैसे हम बतावा था ऐसे ऐसे जाए के कह दी है। तो जब बाकी जे आए हमसे पूछे तो हम खुद ही रहा वही दिन सबसे समझ लिए भाई। भविष्य जी घरे आए सकत न्योता बटवाई दी है लेकिन राम के कारण राजा बने न अयोध्या में न्योता ही न दी है। जब भगवान राम सुने तो गुरु वशिष्ठ जी से पूछा था गुरु वशिष्ठ जी कहा सुना जो उन्हें सम्मत आपका वनवास भ वही सम्मत चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के स्वर्गवास भ। जब जौने बाप के चार चार औलाद पिताजी के मर जाने के बाद चारों में से एक औलाद अंतिम क्रिया कर्मठ पूरा नहीं किए। इतना समय भले बीत गया लेकिन पिताजी के अंत्येष्टि का कर्मठ बाकी है अभी। यह बदे तुहार पूरा परिवार सुदक में बा और जब तक तुहरे खिया के सुदक न बीत जाए दूसरे खिया न्योता खाए कैसे जाबे। यही बदे पहले अपने खिया टोटका पूरा करे। जब इतना बतिया सुने बाबूजी भगवान राम तब पिताजी की याद आई हृदय भर गया, हृदय भर गया, नेत्र सजल हो गए बाबूजी, अश्रु की धारा बहने लगी और अपने तीनों माताओं के पास जाकर के कहते क्या है बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है मर्षि सब कहना है। झिलमिल सितारों का झिलमिल सितारों का आंगन हो रिम झिम बरसता सावन घर सजाऊ अब बगिया से सुंदर अपना वो बन होगा रिम झिम बरसता सावन होगा, सावन होगा। लेकिन बिरह के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा कहना है दुखित कौशल्या जी के दुखित कौशल्या जी के
ही बिना ना दिल में, तेरा ही बिना ना दिल में धीरा आयोजन कर दिए। ओहर लंका में रावण के नाम से तेरा ही फनी, एहर अयोध्या में महाराज दशरथ के नाम से। सुनाई वाले बाबूजी, तो कभी को बिरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम मिठैया भरी भरी दो नामे मिली, पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया मिठैया भरी भरी दो नामे मिली, साग कचौड़ी के संकटी मलैया मिठैया भरी भरी दो नामे मिली। शांति मिले, कहो जेकरे बाप के चार चार औलाद पिताजी के मरने के बाद अंतिम क्रिया कर्मठ न पूरा हो, बड़े शर्म के बात बा। इस संसार में लोग हमें का कही, ये लिए पूरे विश्व में क्यों बचे न पावे, सबके निमंत्रण दी है। नारद जी गए नेवता बांटे बदे, सकतो नेवता बांट दी है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के नेवता वही काट दी है। हर हनुमान जी के बोलाई के भगवान राम एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपत है। कभी को बिरहा में चार लाइन कवित का भाव लिखना पड़ा, कहना है बाबूजी। अयोध्या में सब लोग खुश हैं, पूरी साग कचौड़ी के संकटी मलैया मिठैया भरी भरी दोनों में मिली, लेकिन भगवान राम हनुमान से कहत का है, खुशी अवध के वासी नाही केहू केहू दासी, मिला दास और दासी के पैगाम दे रही, राम कहै उस बार हनुमान से पिठार, खड़े रही के आप द्वार लो संभारते रही, देवता साज के विमान पहले मिले हनुमान ले सम्मान दे रहे, खुशहाली चारों तरफ बा। लेकिन हनुमान जी के जामोंत के बोलाई के भगवान राम कहें सुन, वीर हनुमान लंका में हमार बड़ी लाज रख है, बड़ी मदद कही ले, बड़ी मदद की है, लेकिन आज यही अयोध्या में हमार मर्यादा संकट में बा, तो अपने भालू बानरी सेना के सहेज दे और स्वयं जाए के गेट पर पहरेदारी करे, चाहे देवता आवे चाहे मनुष्य आवे,
सबका सम्मान एक समान हमरे अयोध्या में हो के चाहे चाहे केहू में कोनो फर्क हो के ना चाहे, ना चाहे याद रहे हनुमान जी अतिथि देवो भव सबके सम्मान अयोध्या में होवे के चाही चाही। हनुमान जी जामवंत जी भालू बानरी सेना के सचेत कह दिहेन आई अपने जाए के गेट पर पहरेदार बन के खड़ा हो गए। हर जब तेरही के दिन आई गे तो अयोध्या में लगी पूरी छनई तो जब देसी घी के महक ब्रह्म लोक में पहुंचा ब्रह्मा जी के निकुरा में तो ब्रह्मा जी कहे पूरी कहा महकत है। जब ध्यान मग्न भयन कहन अयोध्या में महाराज दशरथ के तेरही फनी बा लेकिन न्योता ही नहीं मिला बा पूरी खवाए तो कैसे खवाए भैया हो बता दे था ये वही का रहा हूँ तेरे सुनई वाले बाबू जी ब्रह्मा जी सोचा था कि पूरी तो बड़ी गजब महकता लेकिन खाए के मनऊ बाता नहीं मिला बा तो हो सकत है का जान विष्णु भगवान के लगे मिला हो चला नहीं से एक कई न्योता में दुनो भाई खाए ले तो कौन हो जब पहुंचे बाबू जी क्षीर सागर में तब विष्णु भगवान कहा हम हो न्योता नहीं मिला का जन भोलेनाथ के मिला हो गजेड़ी भंगेड़ी है नो बिसर गया हो नशा में तो चल के उन्हां से पूछ ले जब पहुंचे थे बाबू जी कैलाश पर्वत पे तो भगवान भोलेनाथ कहा हम हो न्योता नहीं मिला कहे तब पूरी कैसे खवाई भोलेनाथ कहे देखा बिना न्योता के क्यों पे दुआरे जाए के ना चाहे हम तो ना जा भाई भगवान विष्णु जी कहे हम न जा सुनई वाले बाबू जी भगवान विष्णु जी कहे हम न जा भाई तब ब्रह्मा जी कहा जब तू ही पचे दुई नौ जने न जाबा तो हम हाँ अकेल का जाए जाए पूरी न खवाए पूरी न खवाए। अच्छा मन मसोस के दोनों जने रहिया गए तब लगा भगवान भोलेनाथ के मन डोल है तब माई पार्वती से कहा गिरिया कह तू चली पूड़िया खाए नहीं आई माई पार्वती कहे बउराहू अवलत कह बिना न्योता के न जाए चाहे अब चलब अगर केव हाथ लगाए दीहेस पकड़ लीहेस बाह कि नेवता पाए है कहां से आवत है कहां घर दुआर बा झूठा न बोलत बने भगवान भोलेनाथ कहा तू है पागल पूरे विश्व को खेल बा कौनो एहर ओहर तेरा ही थोरो बाटे के चीन ले हम है अकेले अब चला भेष बदल बदल चला जाए दोनों प्राणी चल दिए यहाँ पे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज का खाटी तर्ज बातें बढ़िया से बता के देखा भैया हो बिरहा के पुरोधार है स्वर्गीय बाबा राम आधार यादव झूसी नरेश तो बाबा जब गावे तो एक एक हाथे के फार बजावे तो देखा दादा तो हम हो ही ना जाबे ना हमसे बनबे करी ना हम उन्हें देखे नहीं गावत कि कैसे गावत रहें कैसे बजावत रहें आप ही लोग बतावत है कभी जी लोग बतावत हिन तई जोन हमारे हाथे में बाई समल ददा जोन फार बजावत रहन ई ओकर बच्चा हवे हम ददा के बच्चा है तो देखो दादा गावा दादा की नहीं ना बने हमसे लेकिन अबे हम सीखत है और सीखबे में तनी मनी त्रुटि तो होबे करत है लेकिन आप लोग आशीर्वाद देबे तो कोशिश करब अच्छा से अच्छा कैसे भैया कहना है कहीं अरे राम झकोरा मारे झुलनी ए सुनई वाले पंचौ झकोरा मारे झुलनी ओ हाय सारी लहरा चढ़ली उमरिया ना कैलैया है गवाना
बाबूजी बिरहा के अंदर कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है ए बाबू ते रही है मैं बुढ़ाऊ, बवाल करत हन भगवान भोलेनाथ, ए भैया ते रही है मैं बुढ़ाऊ, आए भोला फरमाइश बा गाना के झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। अरे यार इतना महंगा आइटम गिर कैसे दे रहे? अरे झुमका गिरा रे का झुमका गिरा रे बरेली के बाजार दिया। बीचे बीचे में अगर फरमाइशी धुन ज्यादा बोले तो समय ज्यादा लगी, क्षमा चाहिए तो भैया हो। बिरहा के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा, अंतर न हो। एक ही बानर पहुंचा नंदी बैल के खोद दी है और ऐसा जगह खोदेस की बर्धा भड़क ही गवा। खिड़की वाले गेट पे खोदेस सूरदास जी हमारे वीडियो कैमरा करते रहे, ए बरे हम बतावो थे ये देखा भैया। आज हम नंदी बैल भड़क गए थे, एक बात जान ल, सब क्यों किसान ही है, जानवर भड़क जाते तो गोसाइयों को धराए जल्दी धराते नहीं नहीं। आज हम नंदी बैल भड़क गए तो माई गिरजा कहत कहा इन भगवान भोलेनाथ से। एक लाइन तर्ज लगी मास्टर साहब यहाँ पे, झूलनी का रंग
साचा हमार पिया, रंग पड़े नहीं कांचा हमार पिया। सुनई वाले बाबूजी तमाम गीत बा, माता बहिन लोग गाओ थी, दिन भर चाहे जहाँ रही है हमार पिया, अरे रात की एक सीसी लाई के चला यही है हमार पिया। भैया हो यही के प्रतापगढ़ में गाओ थी, सैया मिला मोर हलका भगवान कसम, ओ से चलई नहीं नलका भगवान कसम। भैया गाना तमाम बा, हर जिला में एक धुन पर कईयो तर्ज बनी बटे, कईयो गीत बना बा, लेकिन बिरहा में भाव है कहना है। अरे गिरजा गिरजा कहे छोड़ा गाजा, बाबूजी के नाती हैं आप, सादर 20 रुपया दे करके सम्मान किए हैं, बहुत बहुत भैया को नमस्कार स्वीकार हो। उपस्थित जनता जनार्दन के चरणों में प्रेम भरा जय श्री कृष्णा। लेकिन माई गिरजा कहत कहा, अरे पकड़े लपकी भोला बरधा गपगा, मारे यौ खोरे घासी भाई। तो लक्ष्मण जी जा करके भगवान राम से कहते हैं, बिरहा में आखिरी तर्ज है, कवि को लिखना पड़ा। बीचों बीच बाबूजी जब छेदावे नाक तो मैं झूलनी पही रही झुमकी पही।
ठुमकी भी कहत रहे ओके ओठे तक के झूलत रहे तो मन गूंजा लगा रहत रहा। परदेसीवा परदेश चला जात रहा, गाड़ी के सिचका पकड़ के दुल्हिया लटकी बा की सैया नूने रोटी खाब लेकिन परदेश मत जाइए, आखी के सोझा रहा मत जा। लेकिन गाड़ी तब तक छूट गई बाबूजी, अब परदेसी परदेश चला गए। अब दुल्हिया सोचा था कि दौड़ के अपने पिया के हम उतार ले, ठेह लग गवा बाबू जी गिर गई, झूलनी के गूंजा टूट गया। वो समय में वो गाना वही बड़े निकरा रहा, जमनिया से गड़िया छूटल ये राजा झूलनिया के गुंजवा टूटल ये राजा टूटल ये राजा। लेकिन विरह में भाव है कहना है से। अरे होले खुरा फाती इवानर के जतिया, अरे पर जते रहे लेकिन मनलाना पतिया। के कौनो जिम्मेदारी नहीं देता है यानर बानर सारन के भालू बानर के सहेज दी है, इन्होंने लंका समझे हैं, उजार बिजार के सत्यानाश कह देते हैं। भगवान राम सोचत हैं कहतन कहा लक्ष्मण भका कहा चला, ये बानरी सेना के कारण हनुमान जी के जिम्मेदारी दिए रहन, देखा हनुमान जी के सेना के कारण दरवाजे पर आए हुए अतिथि की क्या दुर्दशा हुई है। पूरे परिवार को लेकर के चले, बिरह में पपट की लाइन में कवि को लिखना पड़ा जी। अरे गए राम जहवा घायल सिवरैया गलती भारी बात, राम जहवा घायल सिवरैया गलती भारी बात, कहां क्षमा कह दे सैल बसैया गलती भारी बात। शत्रुधन लखन साथ में आई तीनों मैया हो, जामवंत संग हाथ जोड़ी के बोल पड़े कपी रैया हो। अरे खता ना अब से हो या दूसरी दैया गलती भारी बा, क्षमा सुनावे गिर जायो सिवरैया गलती भारी बा। सुनै वाले बाबूजी पूरे कुनबे के साथ में पूरे परिवार के साथ में भगवान राम पहुंचे घटना स्थल पर, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ बेहोश होकर के गिरे हुए हैं। अपने जमाने का ही हो रामायण महाभारत भी एक कांडे रहल। सुने वाले बाबूजी पहुंचे जहाँ भगवान भोलेनाथ गिरे हुए हैं, बेहोश पड़े हैं, और जा करके कहते हैं कि हे अतिथि देवता हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे पूरे परिवार को क्षमा कर दीजिए। हनुमान और जामवंत के बानरी सेना से, हनुमान जामवंत से कोई कसूर हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब तब तक नारद जी बीड़ा सितार बजावत नारायण नारायण नारायण। ए बाबा ए बाबा किया खोला, जो उन्हें कमवा बदे नेवतवा नहीं दिए रहे, वो कमवा पूरा करे के टाइम आएगा वो अपने असली रूप में आ जा। नारद जी के बतिया सुन के भगवान भोलेनाथ माई पार्वती अपने असली रूप में आए। भगवान राम कहे प्रभु आपके आवे के रहा था ये रूप का जरूरत रहा धरे के। कहे प्रभु ये धरती पर
अगर किसी कार्य की शुरुआत हुई है तो भगवान को लीला करना ही पड़ा है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। लेकिन आपका गलती नहीं बा, ना तो हनुमान और जामवंत के भालू बानरी सेना का गलती बा, ये गलती हमारे भाई हरण के बा। ब्रह्मा विष्णु जी कहें जा भाई हम सब धोखा दे के जाते है पूरी महंग परे, अगर हम न खा तो तोहू के खाए ना दे न देबई। आओ भाई हरे दूध कचौड़ी खाई ल, माया रूपी बानर आय के नंदी बैल के भड़काई दी है, एकरे कारण से हमार खेहुना गेठुना फूट गया, हमारे शरीर के दुर्दशा हो गई। कभी को संकेत करना पड़ा आल्हा के लाइन में। अरे आई करके तीनों देवा कोई ले भोजन वाया भैया, भोजन किए आए हर महाराज दशरथ कते रही संपन्न भाई, ओहर रावण कते रही संपन्न भाई। और तब जाकर के दोनों तरफ का कर्मठ जब पूरा हो गया, सुदक समाप्त भा, भक्त भगवान के दीदार भा, भटकती हुई आत्मा को शांति प्रदान हुई। तब कवि की लेखनी संकेत करती है कैसे मास्टर साहब, पूरे सकल समाज के लिए कवि की लेखनी संकेत करती है। सौ कोटि देवताओं के साथ में की जाइए, राम रहे ना रहे, भभीषण रहे ना रहे, लेकिन जिस कार्य की शुरुआत भक्त और भगवान ने मिल करके किया है ये सदा सदा के लिए इस धरती पर विद्यमान हो जाएगा। भैया तो आशीर्वाद दे करके देवता लोग चले गए, और जो भगवान भोलेनाथ ने लीला किया उस लीला से कहा कि राम रहे ना रहे, भविष्य रहे ना रहे, लेकिन इस धरती पर जिस कार्य की शुरुआत भक्त और भगवान ने मिलकर के की है ये सदा सदा के लिए विद्यमान हो जाएगा। तब लिखा गया कि प्रचलन बा प्राचीन बतिया माना सबही, क्यों के रखी है जग में अधूरी ते रही, जितनी शक्ति रही उतना भक्ति इंसान के करे के चाहे चाही, और तेरही के कर्मठ पूरा कर दे चाहे चाहे हड़िये मेटी झूस दे, लेकिन कर्मठ अधूरा ना रखे के चाहे कर्मठ पूरा कर दे के चाहे। बाबूजी आखिरी और अंतिम प्रमाण में गुरु घराने के पर्चे के साथ में लिखा गया कि ये प्राचीन काल से प्रचलन चली आ रही है जिसे आज तक हम लोग निभा रहे हैं। बाबूजी
और सबसे पहले राक्षसी खानदान से तेरही का शुरुआत भई रही। मैं दानव के बताए अनुसार भविष्ण ने शुरू किया था, इसलिए रावण के ससुर मैदानव रहे और रावण संहिता बतावा था कि रावण के नानव मैदानव रहे। दो रिश्ता रावण के और मैदानव के साथ में रहा, इसलिए बाबूजी मैदानव ने बताया और उस माध्यम से महाराज भविष्ण ने तेरही की शुरुआत की। तो आ जाओ देखा हमारे आपके यहाँ जब तेरही परि जात है, सुदक परि जात है, तो जब तक दाढ़ी बार नहीं बनते तब तक मानो राक्षसी वेशभूषा रहता है, केहू के मन ही ओजरार नहीं रहते। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, आई आखिरी लाइन में गुरु घराने के पर्चे के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हितराम कैलाश जी स्वर्ग सिधारे, मंगल यादव जौनपुरी जी सुंदर गीत सवारे।